प्रसाद शास्त्री प्रतिदिन की तरह लेकर आया हूँ आपका राष्ट्र और पंचांग जो चंद्र राशि पर आधारित है। जानते हैं आज का राशिफल और पंचांग। दोस्तों जय शंकर की, आरपीएफ ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। जानते हैं आज का पंचांग और राशिफल। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज शुक्रवार 16 अप्रैल 2021 है। विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, पल्व चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है जो शाम को 6:05 तक रहेगी। तत्पश्चात पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय प्रातः 5:55 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 6:47 पर होगा। चंद्रोदय प्रातः 8:26 पर होगा। चंद्रास्त रात्रि 10:38 पर होगा। रोहिणी नक्षत्र है जो रात्रि 11:40 तक रहेगा। तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। सौभाग्य योग है जो शाम को 6:24 तक रहेगा। तत्पश्चात शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य मेष राशि में विराजमान रहेंगे, चंद्रमा वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य नक्षत्र अश्विनी है। अशुभ समय राहु काल है। प्रातः 10:44 से 12:21 तक इस समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ न करें। हट बस्ती कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे आपके कार्य में दिक्कतें और कठिनाइयां आएंगी। हो सकता है आपका कार्य सफल भी ना हो, इसलिए इस समय को टालें, शुभ समय का इंतजार करें। आज का शुभ समय विजित मुहूर्त है दिन के 11:55 से 12:47 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे वह निर्विघ्न संपन्न होगा। अमृतकाल का समय है। अमृतकाल का समय है शाम को 8:03 से 9:52 तक। इस समय भी शुभ कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। जानते हैं आज का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले जानते हैं प्रथम राशि मेष राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज क्षेत्र में आपकी चर्चा अधिक रहेगी, किंतु ध्यान रखें कि चर्चा में आप सहयोग करने की कोशिश करें क्योंकि लोग आपके बारे में प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे लोग प्रशंसा के विपरीत कार्य करें। जानते हैं अगली राशि वृषभ राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज अपने अहम को संभाल कर रखें, अन्यथा किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आज अपने आप को पूरी तरह से सावधान रखने की कोशिश बनाए रखें। हो सके तो भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना में रुचि रखें, बेहतर होगा। जानते हैं अगली राशि मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज क्रोध पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें, लंबी यात्रा से परहेज करें, पूजा पाठ व धार्मिक कार्य में रुचि रखें। अपने आप को सर्दी या गर्मी से बचा कर रखें, बीमार पड़ सकते हैं, दिन उत्तम रहेगा। जानते हैं अगली राशि कर्क राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज वाहन खरीदने का इरादा हो अवश्य खरीदें, लाभ मिलेगा। दक्षिण या पश्चिम दिशा की यात्राएं आज लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं, परंतु रात में वाहन पूर्ण सावधानी से प्रयोग करें। जानते हैं अगली राशि सिंह राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज काफ़ी समय से सोचे हुए कार्यों को पूरा कर सकते हैं। मित्रों का सहयोग प्राप्त होने का योग बना हुआ है, अपना धन संभाल कर रखें, खोने की आशंका बनी हुई है। आज सूर्योदय से पहले घर से बाहर न निकलें, बेहतर होगा। जानते हैं अगली राशि कन्या राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है, सावधानी बनाए रखें। लोहा खरीदने में पैसा लगाना चाहते हों हानिकारक साबित हो सकता है। रात में वाहन पूर्ण सावधानी से प्रयोग करें, अन्यथा चोट चपेट की संभावनाएँ प्रबल हैं। जानते हैं अगली राशि तुला राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज अपने छोटे बच्चों को पूरी तरह से संभाल कर रखें। पड़ोसियों से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, नशीले पदार्थों से
भी आज आपको पूरी तरह से सावधानी बनाकर रखनी होगी। जानते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपके माता पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ध्यान देने की जरूरत बनाए रखें। यदि कुछ खरीदने का मन बना रहे हों तो दोपहर के बाद खरीदें बेहतर होगा। जानते हैं अगली राशि धनुराशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपके पर पड़ी उधारी आपको चुकानी पड़ सकती है। नया वाहन खरीदने का इरादा हो अवश्य खरीदें, लाभ मिलेगा। गर्मी की वजह से अधिक बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें बेहतर होगा। जानते हैं अगली राशि मकर राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज वस्त्र आभूषण खरीदने में आपका धन अधिक खर्च हो सकता है। ध्यान रहे कि पड़ोसियों से विवाद करना आपके लिए महंगा पड़ सकता है, इसलिए क्रोध पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें बेहतर होगा। जानते हैं अगली राशि कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज समय की स्थिति अनुकूल नहीं दिख रही, प्रत्येक कार्य सोच समझ कर करें। किसी के बहकावे में आकर या जल्दबाजी से कोई भी कार्य बिल्कुल न करें। रात में यात्रा आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। जानते हैं अगली राशि यानी अंतिम राशि में राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ चल रहा था। अपने घर पर महिलाओं से विवाद न करें, यही आपके लिए उत्तम कहा जा सकता है। ज्योतिष परामर्श के लिए संपर्क करें रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से 94 53 555 111 पर प्रत्येक दिन।